Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज हम मुंबई का स्ट्रीट फूड पाव भाजी बनाएंगे। स्वाद वही स्ट्रीट स्टाइल, खुशबूदार चटपटा और वही पुराने तरीके से। इस जाड़े में गर्मा गर्म पाव भाजी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। पाव भाजी बनाने के लिए कुछ सब्जियां और कुछ मसाले के भाजी में जाएंगे। तो उसके लिए शिमला मिर्चा, एक शिमला मिर्चा महीन कटा हुआ, गाजर आधी कटोरी महीन कटी हुई, प्याज दो बड़े साइज के महीन कटा हुआ, फूलगोभी महीन कटा हुआ एक कटोरी फूलगोभी है, और हरी मटर एक कटोरी, टमाटर तीन बड़े महीन कटा हुआ, इनके साथ आलू जाएगा, तीन आलू उबले हुए, अदरक लहसुन महीन कटा हुआ अदरक एक चम्मच महीन कटा हुआ, लहसुन दो चम्मच महीन कटा हुआ, हरी मिर्च, और इनके साथ कुछ मसाले जाएंगे। हम बनाते जाएंगे और आपको उनकी क्वांटिटी और मसाले बताते जाएंगे। पैन गरम कर लेंगे। वैसे तो पाव भाजी बड़े से लोहे के तवे पे बनाते हैं, लेकिन लोहे का तवा मेरे पास तो नहीं है, और घर में हम लोग अक्सर कढ़ाई में या पैन में बनाते हैं। मैं उसी तरह से बनाऊंगी, लेकिन वही स्ट्रीट स्टाइल जो बॉम्बे में पाव भाजी बनता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उसी तरह से आपको बनाना बताऊं। कि भाजी में तेल तो नहीं जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, तेल के साथ ये बटर, हमने तेल पहले एक चम्मच इसलिए डाला, अगर बटर पहले डायरेक्ट डाल देते गरम पैन में तो ये बटर जल जाता है, इसलिए सबसे पहले आप एक चम्मच कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए, फिर उसके बाद बटर डालिए। पाव भाजी में इसकी भाजी में बटर ज्यादा डालता है। अदरक डाल देंगे, अदरक के साथ लहसुन और ये हरी मिर्च, तैयार होता है या स्ट्रीट में आप लोग अक्सर गए होंगे बाहर देखे होंगे, बड़े से तवे पे ये पाव भाजी तैयार करते हैं, और उनकी सब्जियां कभी भी वो बॉयल करके नहीं डालते हैं, बहुत ही आराम से और काफी टाइम थोड़ा सा देख के धीमी आंच पे इन सारी सब्जियों को वो इसी तरह से गलाते हैं और उसको पकाते हैं काफी देर तक, उसमें वो स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। जो स्वाद हम लोग ढूंढते हैं कि स्ट्रीट में हम लोग खाते हैं, तो वो रेस्टोरेंट में जो हम लोग खाते हैं वो स्वाद हम लोग के इसमें पाव भाजी में नहीं आता है। आप इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जरूर वही स्वाद आपको मिलेगा। जल्दबाजी हमें नहीं करना है कि जल्दबाजी में हमें ये सारे सब्जियों को बॉयल कर लें और फिर उनको मैश करके डाल दें, उस तरह से हमें नहीं करना है। उस तरह से अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से थोड़ा सा वक्त दीजिए, और वक्त दे के इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन बनता है, और जो स्वाद हम लोग बाहर का अच्छा लगता है वही स्वाद आपके हाथों में आएगा। कलर में हो गया है, अब इसमें हमें ये शिमला मिर्चा डाल देना है, इनके साथ ये सारी सब्जियों को और ये मटर डाल देंगे, इसमें टमाटर डाल देंगे, अच्छे से इसको पका लेना है। 5 से 10 मिनट हो गया है,
लगाते हुए अभी इन्हें हमें अच्छे से मैसर से मैश कर लेना है। जितना अच्छा ये आप मैश करेंगे इसको, उतना ही अच्छा आपका ये पाव के साथ खाने के लिए ये भाजी लगेगी, इसलिए इसको मैश करना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमें ये आलू डाल देने हैं और आलू को भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है इसमें, और इनके साथ हमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च, दो चम्मच पाव भाजी मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, इन्हें भी डाल देंगे। और इनके साथ लहसुनी ये चटनी है जिसकी मैं रेसिपी आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी। ये स्पेशल पाव भाजी की सब्जी में पड़ती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये लहसुनी तेल वाली चटनी है। भाजी में कलर भी डाल देंगे, हम इसमें कलर नहीं डालेंगे, ये मैशर से हमें मैश करना है। और इनके साथ तीन चम्मच टमाटो प्यूरी डाल देना है, अगर आपको मार्केट से वाला हो तो मार्केट वाला डाल दीजिए, नहीं तो घर में ही बना के डाल दें आप। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बॉम्बे का फेमस पाव भाजी स्ट्रीट स्टाइल में तैयार हो रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसमें हमें एक कप पानी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नमक और मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार रखें और इसको थोड़ा चख लें आप, अगर नमक और मिर्ची कम लगे तो आप इसमें डाल लीजिए, क्योंकि इस भाजी में मिर्चा नमक अच्छे से बराबर रहता है, तभी पाव के साथ खाने में मजा आता है। अब इसमें नींबू का रस डाल देंगे, एक बार इसमें और पानी डालेंगे आधा कप, और फिर इसे हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। अब ये हमारी भाजी तैयार हो गई है, इसमें लास्ट में हमें हरी धनिया डाल देना है और इसके साथ एक से दो चम्मच बटर डाल देंगे। इस तरह से हमें पाव ले लेना है और पैन को गरम कर लेंगे, बीच से ये कट कर लेना है। इस तरह से ये दोनों कट कर लेंगे और इनमें हमें मक्खन लगा देना है, बटर अच्छे से लगा देना है, क्योंकि बटर का फ्लेवर पाव भाजी में बहुत ही जायका बढ़ा देता है, इसलिए बटर में कोई कंजूसी ना करिए आप इसमें। और इन्हें हमें इस तरह से अच्छे से लाइट कलर में गोल्डन कलर में सेक लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च बटर में लगा करके और देखने में इसका लुक अच्छा लगेगा, इस तरह से आप लगा सकते हैं। 1/4 स्पून आप कश्मीरी लाल मिर्च और बटर में आप इसमें मिक्स कर लें और इस तरह से लगा दें। इसमें ये लहसुनी चटनी जो है वो थोड़ा सा लगाएंगे, आप जरूर इसे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। Thank you.
थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे इस पे। ये देखिए हमारा दोनों साइड में पाव तैयार हो गया है। पाव के साथ भाजी भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारी ये ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल पाव भाजी जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही टेस्टी चटपटी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पाव भाजी बनाएं। आपकी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताएं। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर मैं हर रोज मोटिवेट होती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें और कमेंट करते रहें और हमारी हंग्री स्पून चैनल को दोस्तों को परिवार में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का बुजुर्गों का ख्याल रखें और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें प्यार दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंग्री स्पून।